सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। आज हम लोग जानेंगे कि चारों वेदों से संबंधित कौन कौन से उनके उपवेद हैं, उन उपवेदों का विषय क्या है और उन उपवेदों के विषय से संबंधित जो आचार हैं वो कौन कौन है। यहां से एग्जाम में लगभग लगभग एक वेद पर चार प्रश्न बनेंगे। सिविल सेवा कि जो प्रारंभिक परीक्षा है, चाहे वो आईएएस की हो चाहे वो पीसीएस की हो, यहां से प्रश्न कॉन्सेप्चुअल बनते हैं और गहराई से बनते हैं और ऐसे कॉन्सेप्टों को आप बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं। देखने में तो ऐसा लगेगा कि इनको केवल रटना है, रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि रटने के बाद एग्जामिनेशन में गलती की पूरी संभावना रहती है। तो कॉन्सेप्टों को, छोटे छोटे कॉन्सेप्टों को लेकर मैं इसीलिए उपस्थित हो रहा हूं ताकि सिविल सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा वो अचूक रूप से आपकी तैयारी हो और आप सेलेक्ट हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले है ऋग्वेद, सबसे पहले है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद का जो उपवेद है वो कौन होता है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। अब जाहिर सी बात है कि आयुर्वेद का विषय क्या होगा? चिकित्सा ही होगा। तो आयुर्वेद का जो विषय है वो चिकित्सा है और इससे संबंधित जो ऋषि है वो कौन है? पुरोहित धन्वंतरी है। कौन है? धन्वंतरी। इससे संबंधित जो आचार्य है वो धन्वंतरी। वैसे भी धन्वंतरी जो है वो आयुर्वेद से ही संबंधित है, ठीक है ना। और गुप्त काल में भी धन्वंतरी हुए, गुप्त काल में धन्वंतरी हुए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के तर नवरत्नों में से एक धन्वंतरी। तो धन्वंतरी और एक पौराणिक कालीन धन्वंतरी जो हाथ में अमृत कलश लेकर पैदा हुए थे। यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पौराणिक कथा को आपको समझ के चलना है, ठीक है ना। तो ऋग्वेद से संबंधित जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद का जाहिर से विषय चिकित्सा ही है और उससे संबंधित जो पुरोहित है वो धन्वंतरी है। इसको आप याद मत करिए, ठीक है, समझिए। ऋग्वेद आयुर्वेद, आयुर्वेद का विषय जाहिर सी बात है चिकित्सा ही होगा और अगर आचार्यों का नाम दे देगा तो जाहिर सी बात है आपको वो आचार्य ढूंढना है जो आयुर्वेद से संबंधित हो, तो जाहिर सी बात है कौन जाएंगे? धन्वंतरी। अब आइए यजुर्वेद। यजुर्वेद से संबंधित जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। क्या है? धनुर्वेद। धनुर्वेद है। कौन है? धनुर्वेद है। अच्छा, धनुर्वेद का क्या विषय हो सकता है? जाहिर सी बात है इसमें धनुष संबंधी या शस्त्र संबंधी होगा, तो यानी इसका संबंध, इसका विषय क्या होगा? शस्त्र विद्या। क्या होगा? शस्त्र विद्या। देखिए, अगर आप इसको रटेंगे तो ये याद नहीं होगा, रटेंगे तो नहीं याद होगा। आप समझ लीजिए कि यजुर्वेद से संबंधित धनुर्वेद है, धनुर्वेद से संबंधित शस्त्र विद्या है, जाहिर सी बात है उसमें शस्त्र ही का विद्या होगा और इससे संबंधित जो पुरोहित है वो विश्वामित्र है। इससे संबंधित जो पुरोहित है वो कौन है? विश्वामित्र है, जाहिर सी बात है। ये वही विश्वामित्र हैं जो एक क्षत्रिय राजा से निश्चित एक पुरोहित के वेश में आकर तपस्या किए। तो कार्यों भले ये जाति से क्षत्रिय थे वंश, लेकिन कर्म से ये बाद में सन्यासी पुरोहित आचार्य भी बन गए। तो आपको जैसे वहां चार दे देगा, मान लीजिएगा निम्नलिखित में से कौन से आचार्य या पुरोहित, आचार्य या पुरोहित यजुर्वेद से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है आपको ये यहां समझना पड़ेगा। या यजुर्वेद के धनुर्वेद से, या दे देगा धनुर्वेद से संबंधित है। अब पहले आप धनुर्वेद जाने रहेंगे तब तो आप लगाएंगे किससे संबंधित है। देखने में ये छोटे प्रश्न लग सकते हैं लेकिन एग्जामिनेशन में इसको ना जानना आपका खेल भी बिगाड़ सकता है। जो आजकल ये सिखाया जा रहा है कि बहुत लिमिटेड पढ़ना, लिमिटेड नहीं पढ़ना है,
माइनस मार्किंग का जमाना है, जब तक आपका ज्ञान विस्तार से नहीं होगा लिमिटेड नहीं पढ़ना है, बहुत साठ में पढ़ना है, इतना पढ़ लेना उतना पढ़ लेना ये सब कांसेप्ट नहीं चलेगा। आपको विस्तार से जानना है, समय लग जाए, कहावत है ना दुर्घटना से देर भली, समय लग जाए बढ़िया से पढ़ लीजिए, लेकिन जानकारी के अभाव में, जानकारी के स्पष्ट अभाव में, स्पष्ट जानकारी के अभाव में एग्जामिनेशन में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और स्पष्ट जानकारी तभी आएगा जब आप विस्तार से और गहन अध्ययन करेंगे। तो यहां छोटी छोटी बातों को इसीलिए मैंने उठा रहा हूं कि यहां से प्रश्न पड़ेगा एग्जाम में और आपको ये रटना नहीं समझना है, ठीक है ना। तो यजुर्वेद से संबंधित जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, धनुर्वेद का जो विषय है वो शस्त्र विद्या है, और इसके जो पुरोहित है वो कौन है, विश्वामित्र है। अब आइए सामवेद, सामवेद का जो संबंध है उसको उपवेद है, उसको गंधर्व वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधर्व वेद। और जाहिर सी बात है गंधर्व वेद का क्या विषय हो सकता, संगीत और नृत्य, क्योंकि सामवेद में तो यही तो है, संगीत और नृत्य हो सकता है। और भारत में संगीत और नृत्य या से संबंधित प्रमुख जो मुनि रहे हैं वो भरत मुनि रहे हैं। कौन रहे हैं? भरत मुनि, याद रखिएगा, ठीक है ना। सामवेद से संबंधित गंधर्व, अच्छा गंधर्व शब्द कुछ ऐसा याद दिला देगा, ठीक है ना। जाहिर सी बात है सामवेद में गीत संगीत की ही बात है, तो उसका विषय भी संगीत और नृत्य ही हो जाएगा। और भरत मुनि निश्चित ही नृत्य के संस्थापक के रूप में भी माने गए हैं, तो भरत मुनि जाहिर सी बात है सामवेद के उपवेद गंधर्व वेद से ही संबंधित माने जाए, ठीक है ना। तो यहां ये आप जरूर याद रखिएगा, सामवेद का विषय क्या है, सामवेद का उपवेद क्या है, उससे संबंधित कौन, ये एग्जाम में जरूर आएगा, देखिएगा यहां से कॉन्सेप्चुअल पर जरूर बनेगा। अब है अथर्ववेद, अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्प वेद, ठीक है ना। शिल्प वेद का जो विषय है वह वास्तुकला। अच्छा अब आप सोचिएगा कि भारत के कौन से ऐसे देवता हुए हैं जो वास्तुकला से संबंधित रहे, किसी भी व्यक्ति से अगर पूछ लीजिए और उसको सामान्य अगर जानकारी है तो चाहे सभी मानेंगे कि जो देवताओं के इंजीनियर थे वो विश्वकर्मा जी को ही माना जाता, विश्वकर्मा जी देवताओं के इंजीनियर माने जाते हैं। जाहिर सी बात है इसके पुरोहित प्रमुख कौन होंगे, विश्वकर्मा, ठीक है ना। जैसे एग्जामिनेशन में ज्यादातर प्रश्न जो है कॉन्सेप्चुअल अनुमान से निकलते हैं, यानी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप भूल भी गए हैं तो कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप अनुमान लगा लेंगे कि यही होगा। अब इसमें से अगर पूछ देगा, सपोज करिए आपको कि भरत मुनि, भरत मुनि किससे संबंधित है या किस उपवेद से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है अगर आप भरत मुनि को जानते कि भैया नृत्य और संगीत से संबंधित है तो हर आदमी लगा देगा किससे संबंधित है। अब पूछ देगा कि भाई धन्वंतरी किससे संबंधित है तो हर कोई जानता है कि धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान रहे, पौराणिक गाथाओं में तो वर्णन है समुद्र मंथन से धन्वंतरी अमृत कलश लेकर पैदा हुए थे। अब गुप्त काल में धन्वंतरी भले छद्म नाम वेशधारी हो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक हो, ठीक है ना। तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ के चलना पड़ेगा। एक नए लेक्चर में आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।